फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज हम इंस्टेंट छोले बनाएंगे और वो भी एकदम हलवाई जैसे। ये छोले बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए छोले मसाला की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इंस्टेंट छोले बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा प्याज जिसे मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा उसे भी मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और मैंने 5 से 6 लहसुन की कली ली है जिसे मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इन तीनों चीजों को हमने एक साथ रख लिया है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है, और 3 हरी मिर्च ली हैं। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। इनका भी हम पेस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले पेस्ट बना लेते हैं दोनों का। ये देखिए मैंने दोनों चीजों का पेस्ट बना लिया है। ये है हमारा प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट, और ये है हमारा टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इंस्टेंट छोले बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल दिया है, 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। तेल गरम होते ही इसमें 2 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, इन सारे खड़े मसालों को हम डाल देंगे। इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और इसमें जो हमने प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, और इसे लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारा मसाला लाइट पिंक कलर का हो चुका है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने जो टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देंगे, और इसे अच्छे से चला देंगे। जब तक ये तेल ना छोड़ जाए तब तक इसे पकाते रहेंगे। अब टमाटर से तेल अलग होने लगा है, इसमें हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, और इसे फिर से चला देंगे। अब हमने छोले लिए हैं, ये 2 कटोरी छोले हैं जो मैंने रात में भिगो दिए थे, और इसको हमने एक बार वॉश कर लिया है। ये एकदम फूल गए हैं, मैंने इसको उबाला नहीं है, ये मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। ये सिर्फ ओवरनाइट भीगे हुए छोले हैं। तो अब हमने छोले को इसमें ऐड कर दिया है, इसको हम अच्छे से चला देंगे जिससे ये मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, क्योंकि हमने इसमें खड़े मसालों का भी यूज किया था इसलिए गरम मसाला का यूज मैंने कम किया है इसमें। और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें छोले मसाला ऐड कर दिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मैंने 1/2 टीस्पून इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसमें मैंने टोटल 4 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में पानी ऐड करिएगा, क्योंकि इसमें जो छोले हैं वो बॉइल्ड नहीं है तो वो बनते टाइम थोड़ा ज्यादा पानी सोखेंगे। अब पानी डालने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो नमक और भी डाल सकते हैं। अब इसका ढक्कन लगाकर इसको 7 से 8 सीटी तक पकने देंगे। सात सीटी आने के बाद मैंने इसे खोल के देखा तो जो हमारे छोले हैं वो एकदम पक चुके हैं और एकदम मैश हो गए हैं, आप खुद देख सकते हैं। अब हम इसमें फ्रेश हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे, और थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो लीजिए आपके इंस्टेंट हलवाई जैसे छोले एकदम तैयार हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। तो कभी भी आपको जल्दी हो और आपको छोले बनाने का मन हो तो आप इस तरीके से छोले बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये इंस्टेंट छोले की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।